नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे बिहार को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ ही साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई, और इसी को लेकर मौसम विभाग ने पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार मौसम विभाग ने ये अलर्ट 9 जुलाई तक के लिए जारी किया है, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सभी जिले शामिल हैं। साथ ही साथ बात करें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही साथ सहरसा, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, तो इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी देते हुए कहा गया है कि तेज बारिश के साथ ही साथ ठनका गिरने के भी आसार जताए गए, और इसी को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिली है, और एक बार फिर से मौसम विभाग ने जिस तरह से हाई अलर्ट जारी किया उसे देखते हुए ये अब कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से बिहार में बाढ़ को लेकर खतरा और भी ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक के लिए ये हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें वज्रपात के साथ साथ ठनका गिरने की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है, जनता से इस बात की अपील की गई है कि आप अपने घर में रहिए, खुले मैदानों में खास करके रहने से मनाही की गई है। चाहे हम खेत की बात कर ले, इन सभी जगहों पर लोगों को रहने से साफ इनकार कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से उन्हें मना किया गया और कहा गया है कि खुले मैदान में ना रहे। ऐसे में न्यूज़ फॉर नेशन भी आपसे यही अपील करता है कि इस बरसात के मौसम में अब आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने पूरे बिहार में 9 जुलाई तक के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, उसमें यह बेहद जरूरी है कि आप सावधान रहें और सतर्क रहें। आपको बता दें कि पटना, गया, औरंगाबाद, इन सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण की बात करें तो सभी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट किया गया, और यही कारण है कि मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की भी खास अपील की है। वज्रपात के साथ ही साथ ठनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आपको बता दें कि ये हाई अलर्ट 9 जुलाई तक के लिए जारी किए गए हैं, यानी कि आज से अगले 4 दिनों तक के लिए ये हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इतना ही नहीं, खास अपील की गई है जनता से, सावधान रहने की बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। पटना मौसम विभाग केंद्र ने कहा है कि लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और सावधान रहें। न्यूज़ फॉर नेशन भी आपसे यही अपील करता है कि इस बरसात के मौसम में आप अपने घर में रहिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने वज्रपात और खास करके ठनका गिरने की आशंका जताई है, ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप सुरक्षित रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।